हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज एक नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है द फोर्थ डॉटर बाय एस एन गुप्ता। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है मिनी, मतलब इसके नाम से ही आप द फोर्थ डॉटर, जो मिनी होती है वो फोर्थ नंबर की डॉटर होती है। तो जैसे आजकल की सोसाइटी में, मतलब आजकल नहीं बट पहले क्या होता था कि एक डॉटर, फिर दूसरी डॉटर, फिर तीसरी डॉटर, फिर चौथी डॉटर। तो जब फोर्थ डॉटर पे उसका फोर्थ डॉटर है उसका नाम होता है मिनी। तो जब वो मिनी पैदा हुई तो उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया उसको पालने से। तो जो उसकी मदर है उसने उसको दूध पिलाने से मना कर दिया कि मैं इसको कोई भी फीड नहीं दूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि ये बेबी गर्ल है और हम इसको नहीं पालेंगे। तो जो उनके घर में एक मेड होती है जिसका नाम होता है पार्वती, पार्वती उनके घर की मेड होती है जो उनके घर के ड्राइवर की वाइफ होती है। तो वो उनके ही घर में गराज में रह रही होती है। तो वो क्या करती है, वो उस बेबी गर्ल को पाल लेती है क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं होता। वो कहती है मैं इस बच्चे को पाल लूँगी, आप इसको अनाथालय में या मतलब इसको ऐसे कहीं पर भी मत छोड़ दो और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ। तो वो उस बच्ची को छोटे से इतना बड़ा करती है और उसको पालती है। तो जो उसके रियल मॉम डैड होते हैं, उसकी रियल मॉम का नाम होता है राधा। तो राधा जो होती है वो क्या करती है, जो उसकी बाकी की तीन डॉटर्स होती हैं, तो मतलब वो तो प्रॉपर स्कूल जा रही होती हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जा रही होती हैं और रिक्शे से नॉर्मल जाती हैं, वो पढ़ाई कर रही होती हैं। बट जब उसका टाइम आता है, जब मिनी का टाइम आता है, जब वो थोड़ी बड़ी होती है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि इसको स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो राधा होती है वो उसकी रियल मॉम होती है, वो कहती है इसको स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो पार्वती होती है जिसने उसको अडॉप्ट किया होता है, जो उनके घर की मेड होती है, वो उसकी पढ़ाई के लिए खड़ी होती है और कहती है नहीं, इसको पढ़ाना ज़रूरी है। तो वो छोटी होती है इसलिए राधा भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, वो बोलती है चलो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लेगी कोई बात नहीं। फिर वो उसको स्कूल भेजने लगते हैं, लेकिन राधा उसकी पढ़ाई की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होती। तो जो पार्वती होती है उनके घर की मेड, वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं इसका खर्चा उठाऊंगी और इसको मैं पढ़ाऊंगी जब मैंने इसको अडॉप्ट किया है। तो और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाती है। अब उनकी चारों बेटियां पढ़ रही होती हैं। फिर उनके फिफ्थ जो बेबी होता है वो बॉय होता है। जब उनका बॉय होता है तो उनके घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई बॉय हुआ है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसी उनकी लाइफ चलती रहती है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको वो लोग कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, प्राइवेट जो सबसे महंगा बढ़िया स्कूल होता है उसमें डालते हैं। उसके लिए एक अलग से गाड़ी होती है जो उसको स्कूल छोड़ने जाती है, लेने जाती है, मतलब उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो लोग। और जो तीन डॉटर्स होती है उन, मतलब उनकी भी लाइफ चली रही होती है बट उस तरीके से चल रही होती है जितनी तरीके से उसके भाई की चल रही होती है। और जो उनकी फोर्थ डॉटर होती है वो तो उसको तो वो बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, वो तो नौकरानी की तरह रह रही होती है, क्योंकि जो मेड होती है उसने उसको अडॉप्ट किया होता है और वो अपने साथ उसको गराज में रखती है, वही उसको खाना देती है जो वो लोग खाते हैं, वैसे ही वो कपड़े पहनती है। तो उसको तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा होता है। अब क्या होता है कि वो पढ़ाई में, जो उनकी फोर्थ डॉटर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पढ़ाई में। तो धीरे धीरे पढ़ते 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 फिर वो बोलती है कि अब मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। जब सब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो बोलती कि अब मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। तो क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है ना, वो तो मतलब नशे में और लड़कियों वगैरह में फंस जाता है। और फिर क्या करता है कि वो एक बड़ी बहुत रिच लड़की से शादी कर लेता है और फिर अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के और उसके साथ चला जाता है, घर जमाई बन जाता है। तो वो लड़कों से तो और वो उनको ज़रूरत होती है उस टाइम की, हमारी कोई देख रेख करे, हमारा लड़का है होने के बाद भी, तो लड़का उनको नहीं देखता और वो चला जाता है किसी अमीर लड़की से शादी करके। अब जो उनकी तीन डॉटर्स होती है जिनको उन्होंने पाला होता है, उसमें से एक डॉटर की डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। दो डॉटर्स बचती हैं, वो भी मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, तो उन वो भी ये नहीं होता कि वो भी मतलब घर चला सकें या अपने पेरेंट्स को देख सकें अच्छे से। यहाँ जो मिनी होती है, जब वो बोलती है कि अब मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम भी जो उसके रियल पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं बहुत पढ़ लिया इसने, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं, वो बहुत महंगी होती है और उसको कैसे कराना ये वो। लेकिन राधा ने यहाँ पर भी उसके साथ खड़ी हुई, अपनी बेटी के मिनी के साथ खड़ी हुई, उसने बोला नहीं जो ये पढ़ेगी मैं इसको पढ़ाऊंगी, चाहे मैं कैसे भी पढ़ाऊं कितनी भी महंगी होती। फिर उसने उसको डॉक्टरी का कोर्स करवाया और वो दुनिया में सबसे बड़ी डॉक्टर बनी, बहुत ज़्यादा उसने नाम और फेम कमाया। और फिर उसके बाद अपने मॉम डैड का भी उसने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया, जो उसके अडॉप्टेड मॉम डैड थे जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, स्टेप मदर फादर होते हैं, उनका बहुत नाम रोशन किया। अब जो उसके रियल मॉम डैड होते हैं उनकी हालत ऐसी हो गई होती है, क्योंकि बेटा तो चला गया होता है, दोनों डॉटर्स भी ऐसी होती हैं कि वो अपने मॉम डैड को देख नहीं सकती, घर नहीं चला सकती, तो मिनी दोनों परिवारों को चलाती है यहाँ पे। और यहाँ हमारी नॉवल ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ये दिखाया है कि हमें कभी भी गर्ल और बॉय में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का, दोनों इक्वल हैं, दोनों को एक सा मानना चाहिए। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू टू ऑल माय लव।